any regulation, we are having physiological anatomy, we are having normal value, but you should not worry too much about initial 2 points. What we are especially concerned is 6 points of regulation, 3 points of measurements, 1 point of peculiarity, and you can say 1 point ischemic heart disease, which include angina pectoris and myocardial infarction in the clinical aspect. So, ये मैं मानता हूँ ये 11 points हैं जो आपको देखे जाएंगे. Physiological anatomy and normal value वगैरह पे ज़्यादा time मैं नहीं मानता हूँ spend करना चाहिए. Physiological anatomy पे तो बिल्कुल नहीं. Already you know more than enough and it is not there required to be written in physiology exam. तो इस तरह की coronaries होती हैं और arrangement ऐसा होता है heart की surface पे epicardial vessels होती हैं और then subendocardial plexus होता है और ये intramural vessels होती हैं और ये vessels systole में block हो जाती हैं इसलिए systole में filling कम होती है जबकि diastole में ये open होती है. Physiological anatomy आप पूरी तरह छोड़िए. देखिए मैं भी इसलिए नहीं बता रहा हूँ. You already read a lot in anatomy and it is not required. आपको कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा डिस्क्राइब coronary circulation on physiological anatomy normal value. आपको सीधा ऐसा आएगा डिस्क्राइब मेजरमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ coronary circulation. तो ये पार्ट ज्यादा आपको पूरी तरह से मैं तो कह रहा हूँ पूरी तरह से हटाना चाहिए और सीधे उस पर फोकस करना चाहिए. वैसे ये वेनस ड्रेनेज है. ये कैट नाम से कैट वुमेन है ये तो कैट नाम से मैंने तो याद किया बट यू मस्ट बी नोइंग ऑलरेडी ऑल दिस CHE थैबेसियन वेन एंटीरियर कार्डियक वेन एंड कोरोनरी साइनस. ये नॉर्मल वैल्यू है 250 ml पर मिनट. हार्ट का साइज ज्यादा नहीं होता है तो वास्कुलरिटी काफी है. ऐसा लगता है ब्लड सप्लाई ज्यादा नहीं है. ओनली 5% ऑफ कार्डियक आउटपुट पर अब 100 ग्राम हार्ट को कितना ब्लड मिल रहा है दैट इज क्वाइट अ बिट. यानी इससे ज्यादा केवल किडनी की होती है. एक कैरोटिड साइनस की भी बहुत ज्यादा होती है लेकिन कैरोटिड साइनस को वी कैन नॉट कंसिडर इन द ऑर्गन. तो अगर हम ऑर्गन की बात करें तो किडनी की हाईएस्ट है 420 उसके बाद सीधे हार्ट की है दैट इज 80 ml पर 100 ग्राम पर मिनट विच इज कॉल्ड वास्कुलरिटी. सो वेरी वास्कुलर ऑर्गन वेरी वास्कुलर ऑर्गन. तो आप में से जो हार्ट पे ब्लड हार्ट पे जो ऑपरेशन करेंगे या किडनी पे जो ऑपरेशन करेंगे उनको वास्कुलरिटी के हिसाब से ब्लीडिंग होगी. टोटल ब्लड के हिसाब से नहीं वास्कुलरिटी के हिसाब से ब्लीडिंग होगी. एक पर्टिकुलर एरिया में कितना ब्लड सप्लाई है और सर्जरी बिकम क्वाइट चैलेंजिंग एंड दे कैन इंक्रीज कोरोनरी फ्लो कैन इंक्रीज 4 times व्हेनेवर नीडेड फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज. सो दिस इज अबाउट नॉर्मल वैल्यूज. व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज वी आर हैविंग अरेंजमेंट लाइक दिस. देर इज सब एपिकार्डियल आर्टरीज सब एंडोकार्डियल प्लेक्सेस एंड देन वी आर हैविंग दीज इंट्राम्यूरल आर्टरीज which penetrate perpendicular and supply to muscles. During systole, especially in the left ventricle, because left ventricle is having lot of muscle, they get occluded. And that's why during systole, especially left ventricular blood flow decreases. बल्कि isometric contraction में तो लगभग zero पहुंच जाता है. जबकि diastole में ये vessels open होती हैं और ज्यादा blood flow इसीलिए diastole में होता है. एक खास पिकुलैरिटी है या खास चीज है कोलेट्रल्स. तो जब भी एक आर्टरी देखिए ब्लॉक हुई है ऑक्लूडेड आर्टरीज है यहां पे ऑक्लूजन हुआ वैसे जो वेसल्स होती है हार्ट की वेसल्स वो बहुत कम एनास्टोमोसिस होता है उसमें नॉर्मली. लेकिन अगर ब्लॉक हो जाए तो तुरंत कोलेट्रल्स चालू होते हैं विद इन सेकेंड्स और एक महीने में तो लगभग नॉर्मल फ्लो एस्टेब्लिश कर देते हैं इफ द पर्सन इज हैविंग हेल्दी लाइफ स्टाइल. तो कोलेट्रल भी बहुत बड़ी पिकुलैरिटी है कोरोनरी सर्कुलेशन की. हालांकि कोरोनरी वेसल्स आर वेरी प्रोन टू गेट ब्लॉक्ड. कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉकिंग बहुत जल्दी हो जाती है लेकिन जितने कोलेट्रल्स बायपास हार्ट में बनते हैं उतने बायपास बनाने की कैपेसिटी किसी दूसरे ऑर्गन की नहीं है. तो अगर एक माइनस पॉइंट है तो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट भी है. ऑफ कोर्स कोलेट्रल्स बनाने के लिए हेल्दी बॉडी होना चाहिए हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए. सो दैट इज वन मेजर पिकुलैरिटी विच इज हैविंग ह्यूज क्लिनिकल सिग्निफिकेंस. तो दो पिकुलैरिटी हो गई. एक हो गया कि स्पेशली मोर फिलिंग हैपन्स इन द डायस्टोल बिकॉज ड्यूरिंग सिस्टोल इंट्राम्यूरल वेसल्स गेट ब्लॉक्ड
बाय कॉन्ट्रैक्टिंग मसल्स स्पेशली इन द लेफ्ट वेंट्रिकल्स। दूसरा हो गया व्हेन एवर कोरोनरीज गेट ब्लॉक्ड विच इज वेरी कॉमन अ केस, इमीडिएटली कोलेटरल फॉर्मेशन स्टार्ट्स एंड सो मेनी टाइम्स कोलेटरल्स कैन रीस्टैब्लिश, ऑलमोस्ट रीस्टैब्लिश द फ्लो। तो कई ऐसे पेशेंट होते हैं जिनकी पूरी की पूरी आर्टरी ब्लॉक होती है, लेकिन कोलेटरल्स की वजह से उनको कभी हार्ट अटैक नहीं आता है और उनका ब्लड फ्लो ब्लॉकेज के 1 महीने बाद लगभग नॉर्मलसी पे पहुंच जाता है। ऑटोप्सी में हमें पता लगता है कि जिनकी ऑटोप्सी की जाती है, 1 out of every 4, 4 में से 1 आदमी को की वेसल्स लगभग ब्लॉक ही मिलती हैं, जबकि अटैक 4 में से 1 को नहीं आता है। अटैक तो 20 में से 1 को आएगा या 15 में से 1 को आएगा, डिपेंडिंग अपॉन एशियन है कि नॉन एशियंस है। तो फिर इतने सालों को जो अटैक नहीं आता है, इट्स बिकॉज ऑफ यूनिक एबिलिटी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी ऑफ अवर हार्ट टू फॉर्म कोलेटरल्स आफ्टर ब्लॉकेज। ये आप देखिए ब्लॉकेज के बाद कितने कोलेटरल्स जो ब्लैक से हैं, वो कोलेटरल सर्कुलेशन है, कितने कोलेटरल्स स्टेब्लिश हो रहे हैं टू रीस्टेब्लिश द फ्लो। ये एक दिखाया है कि डायस्टोल में ब्लड फ्लो इंक्रीज हो रहा है और सिस्टोल में डिक्रीज हो रहा है। आपको ये वैल्यू या ग्रेडियंट याद नहीं रखना है, ये याद नहीं रखना है, आपको ये याद रखना है कि कोरोनरी ब्लड फ्लो स्पेशली ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल डिक्रीजेस इन सिस्टोल इंक्रीजेस इन डायस्टोल। द पॉइंट, कोरोनरी ब्लड फ्लो इंक्रीजेस ड्यूरिंग डायस्टोल एंड डिक्रीजेस ड्यूरिंग सिस्टोल। इट्स बिकॉज ऑफ इन सिस्टोल दीज इंट्राम्यूरल आर्टरीज गेट ब्लॉक्ड बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग मस्कुलेचर स्पेशली इन द लेफ्ट वेंट्रिकल। तो हार्ट के एक्चुअली बेसिकली इस टाइप से है कि कुछ माइनस पॉइंट्स हैं, कुछ प्लस पॉइंट्स हैं। हम सब की तरह, हमारी अपनी पर्सनालिटी की तरह, भगवान ने हमें शायद कुछ कमियां दी हैं, पर उन कमियों से लड़ने के लिए बहुत सारी खूबियां भी दी हैं। हाँ, हम उन खूबियों को इस्तेमाल ना करें तो फिर कैसे काम चलेगा। तो हार्ट का भी यही केस है, फालतू इसके माइनस पॉइंट हैं, ब्लॉकेज इसे माइनस पॉइंट, लेकिन उसके अगेंस्ट में कुछ प्लस पॉइंट भी हैं। उस प्लस पॉइंट को यूज करने के लिए ऑफ कोर्स हम आपको, आपके परिवार वालों को या आपके पेशेंट को हेल्दी लाइफस्टाइल की जरूरत जरूर होगी। मुझे ये 2 लाइन हमेशा इसमें इस पॉइंट पे याद आती हैं कि प्लस पॉइंट भी हैं, माइनस पॉइंट भी हैं। मेरा अपना फलक है, मेरे अपने सितारे हैं, मेरा अपना तूफान है, मेरे अपने किनारे हैं, मैं अपने रब का बंदा हूं अपने रब का बंदा हूं। तो अगर तूफान है मेरी जिंदगी में, तो मेरी जिंदगी में किनारे भी हैं। तो अगर हार्ट में माइनस पॉइंट है ब्लॉकेज का, तो उसके अगेंस्ट कई प्लस पॉइंट भी हैं। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट कोलेटरल्स। तो देखिए एपिकार्डियल, माइनस पॉइंट देखिए आप, एपिकार्डियल वेसल्स हैव वेरी लेस एनास्टमोसिस, वेरी लेस एनास्टमोसिस, और दे आर प्रोन टू गेट ब्लॉक्ड, लेकिन कोलेटरल्स डेवलप सून आफ्टर ऑक्लूजन। तो अगर ये माइनस पॉइंट है तो ये प्लस पॉइंट है। एक डायस्टोल तो हमारा है ही, डायस्टोलिक फीलिंग इज ए बिग पिकुलरिटी। सब एंडोकार्डियल प्लेक्सेस में ऑफ कोर्स सिस्टोल के टाइम कम ब्लड आता है, माइनस पॉइंट, लेकिन देखिए प्लस पॉइंट है कि ये बहुत एक्सटेंसिव है और इसमें वेरी हाई कैपिलरी डेंसिटी है, तो ये दोनों प्लस पॉइंट हो गए। हार्ट का देखिए एक्सट्रैक्शन फैक्टर बहुत ज्यादा है, यानी रेस्टिंग कंडीशन में नॉर्मल सेल्स 25% ऑक्सीजन जो उनको सप्लाई होती है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं नॉर्मल सेल। लेकिन रेस्टिंग कंडीशन में आप देखिए हार्ट मसल्स 70% से भी ज्यादा ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट कर लेती है नॉर्मल कंडीशन में ही। तो नॉर्मल सेल करते हैं 25%, लेकिन हार्ट मसल रेस्टिंग कंडीशन में ही 75% ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट कर लेती है। पर देन अगर इसको हम माइनस पॉइंट माने तो प्लस पॉइंट हो गया, कोरोनरी रिजर्व बहुत अच्छा है। 4 टाइम्स हम कोरोनरी ब्लड फ्लो को डायलेट करके बढ़ा सकते हैं, इतना दूसरे ऑर्गन्स में नहीं भी होता है, कम होता है इससे। तो हमेशा कुछ माइनस कुछ प्लस पॉइंट,
कैसा हार्ट का है, दीज ऑल कम इन पिकुलैरिटी। एग्जाम में हो सकता है आपको सारी याद ना आए, तो आई इंसिस्ट स्पेशली वन पिकुलैरिटी ऑफ दिस, इसको नहीं भूलना है आपको, ये पिकुलैरिटी हो गई। बाकी रेगुलेशन हमारा मेन पॉइंट है, उसके 6 पॉइंट्स हैं, हमने ऐसे ही किया था, 2 पॉइंट सेल्फ रेगुलेशन से, ऑर्गन इटसेल्फ से, 2 पॉइंट जो कि हमने किया था, जैसे हमारे लाइफ में होता है गवर्नमेंट रेगुलेशन, तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट हम उसको अपनी बॉडी में क्या मान सकते हैं, नर्वस रेगुलेशन, नर्वस सिस्टम को सेंट्रल गवर्नमेंट मान सकते हैं, हार्मोनल जो कि केमिकल्स पे काम करता है तो केमिकल रेगुलेशन को हम इस तरह से स्टेट गवर्नमेंट मान लें, तो नर्वस रेगुलेशन एंड केमिकल रेगुलेशन। हालांकि केमिकल रेगुलेशन में सबसे इंपॉर्टेंट नाम रहेगा एडिनोसिन, एडिनोसिन। तो एक डायस्टोलिक फिलिंग और एक एडिनोसिन, ये आप एग्जामिनर आपके आंसर में ढूंढेगा। और 2 पॉइंट हम ले लेते हैं ओम्स लॉ से, तो ये हमारे 6 पॉइंट हो गए, 2 पॉइंट सेल्फ रेगुलेशन से, 2 पॉइंट एक तरह से नर्वस रेगुलेशन प्लस केमिकल रेगुलेशन, केमिकल रेगुलेशन में एडिनोसिन, और 2 पॉइंट ओम्स लॉ से, प्रेशर ग्रेडियंट एंड रेजिस्टेंस। तो ये हमारे हो गए सीबीएस या हार्ट के अपने पॉइंट हो गए 2, वर्क डन बाय द हार्ट, जब भी वर्क डन, ये कोई अलग अलग पॉइंट नहीं है, वर्क डन बाय द हार्ट, केमिकल रेगुलेशन एंड नर्वस रेगुलेशन, ये एक कंबाइंड कॉन्सेप्ट ही है, पर हमने जस्ट ज्यादा ऑर्गेनाइज वे में लिखने के लिए सेपरेट किया हुआ है। एक ऑटो रेगुलेशन भी है बिकॉज ऑफ मायोजेनिक एंड मेटाबॉलिक थ्योरी, दैट इवन इफ ब्लड प्रेशर इंक्रीजेस, अगर हार्ट में ब्लड प्रेशर को हम बढ़ा भी दें या बॉडी में ब्लड प्रेशर बढ़ता भी है 50 से 150 के बीच में, तो भी हार्ट का फ्लो देखिए प्लेट्यू दिखाता है। सो कोरोनरी ब्लड फ्लो डज नॉट चेंज इवन व्हेन ब्लड प्रेशर इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 50, मीन ब्लड प्रेशर इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 50 टू 150, दिस इज कॉल्ड ऑटो रेगुलेशन। तो हार्ट इज हैविंग ऑटो रेगुलेशन स्पाइट ऑफ ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएशन, कोरोनरी ब्लड फ्लो रिमेन्स ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट। तो ये हमारी दूसरी हेडिंग है, देन नर्वस रेगुलेशन और ऑटोनॉमिक रेगुलेशन एंड केमिकल रेगुलेशन, ऑल्सो कॉल्ड मेटाबोलिक रेगुलेशन, एडिनोसिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, एंड 2 पॉइंट कोरोनरी प्रेशर ग्रेडियंट इंक्रीजेस कोरोनरी ब्लड फ्लो वाइल रेजिस्टेंस डिक्रीजेस कोरोनरी ब्लड फ्लो। सो एओर्टिक प्रेशर माइनस प्रेशर इन कोरोनरी साइनस इज ग्रेडियंट, ग्रेडियंट जब भी ज्यादा होगा कोरोनरी ब्लड फ्लो ज्यादा होगा, वाइल कोरोनरी वास्कुलर रेजिस्टेंस विल डिक्रीज द ब्लड फ्लो, दिस इज एज पर ओम्स लॉ। ये हमारी 6 हेडिंग है, उसमें से मेनली वर्क डन बाय द हार्ट, नर्वस रेगुलेशन, केमिकल रेगुलेशन, इनका डिस्क्रिप्शन एक फ्लो चार्ट से ही आप दे सकते हो, बेसिकली ये सब कंबाइंड कॉन्सेप्ट ही है। तो जब भी हमारे हार्ट में वर्क डन बढ़ता है, हम अपने अपने हार्ट से ज्यादा काम लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल एनी काइंड ऑफ एंग्जाइटी, फॉर एग्जाम्पल एक्सरसाइज, तो मायोकार्डियम गोज इनटू, मायोकार्डियल ऑक्सीजन नीड इंक्रीजेस एंड मायोकार्डियम गोज इनटू इशीमिया, मायोकार्डियम में इशीमिया हो जाता है, ब्लड फ्लो कम हो जाता है। जब भी मायोकार्डियम में इशीमिया हो जाता है, देयर इज डिपोजिशन ऑफ मेनी केमिकल्स, बहुत सारे केमिकल्स का डिपोजिशन हो जाता है, और ये सारे केमिकल्स कोरोनरी को डायलेट कर देते हैं। तो देखिए वर्क डन बाय द हार्ट एंड केमिकल रेगुलेशन कंबाइंड ही हैं, ये सारे केमिकल्स कोरोनरी को डायलेट कर देते हैं और ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है। लेकिन इन सारे केमिकल्स में हालांकि डिक्रीज PO2 भी है, इंक्रीज PCO2 भी है, इंक्रीज HIN भी है, इंक्रीज पोटेशियम आयन भी है, लैक्टिक एसिड भी है, प्रोस्टाग्लैंडिंस भी है, नाइट्रिक ऑक्साइड भी है, बट सबसे इंपॉर्टेंट है एडिनोसिन। तो एडिनोसिन का आप फ्लो चार्ट बना सकते हो, एडिनोसिन की फ्लो चार्ट की थ्योरी को हम बोलते हैं बर्न्स हाइपोथेसिस, और बर्न्स हाइपोथेसिस को आपको जरूर एक्सप्लेन करना है लाइक ए फ्लो चार्ट। सो ये फ्लो चार्ट आपको बनाना है इन प्रेजेंस ऑफ डिक्रीज्ड ऑक्सीजन, जब भी हमारे हार्ट में ऑक्सीजन की कमी होगी, डिक्रीज ऑक्सीजन, सेल्स में ATP डिग्रेड होगा, फर्स्ट ATP विल बी डिग्रेडेड टू AMP एंड सम AMP इज फर्दर डिग्रेडेड इनटू एडिनोसिन, दिस एडिनोसिन इज विल डिफ्यूज आउट ऑफ सेल इनटू टिश्यू फ्लूड, और टिश्यू फ्लूड में आके ये एडिनोसिन कोरोनरी आर्टेरियोल्स को डायलेट कर देगा और कोरोनरी ब्लड फ्लो
इंक्रीज हो जाएगा. सो वेन एवर द मायोकार्डियल फाइबर्स बिकम हाइपोक्सिक, देर इज अ डिग्रेडेशन ऑफ एटीपीज फर्स्ट इंटू एएमपी, देन इंटू एडिनोसिन. एडिनोसिन डिफ्यूजेस आउट ऑफ सेल इंटू टिश्यू फ्लूइड, एंड कमिंग इंटू टिश्यू फ्लूइड इट डायलेट द नियर बाय कोरोनरी आर्टरीज एंड आर्टेरियोल एंड ब्लड फ्लो इज रिज्यूम्ड. केमिकल थ्योरी भी यही है और एक तरह से वर्क डन बाय द हार्ट भी यही है. इन दोनों के बीच में आप ये फ्लो चार्ट बना सकते हो. दिस इज कॉल्ड बर्न हाइपोथेसिस. नर्वस रेगुलेशन इज हैविंग टू पॉइंट. देखिए सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन जो जब भी होगा, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन में वी नो अल्फा भी होते हैं, बीटा टू भी होते हैं. अल्फा डोमिनेट करता है इसलिए नेट इफेक्ट इज कॉन्स्टिक्शन, और कॉन्स्टिक्शन तो ब्लड फ्लो को डिक्रीज करेगा. तो सिंपैथेटिक का डायरेक्ट इफेक्ट तो होता है डिक्रीज ब्लड फ्लो, लेकिन इनडायरेक्ट इफेक्ट डोमिनेट करता है. व्हाट डोमिनेट इज इनडायरेक्ट इफेक्ट. जब भी सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होगा, वर्क डन बाय द हार्ट बढ़ जाएगा. सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन मीन्स एंगर, एंग्जाइटी, एक्सरसाइज, इट विल इंक्रीज वर्क डन बाय द हार्ट. मायोकार्डियल सेल्स विल बी इश्मिक. इश्मिक मायोकार्डियम विल कॉज कलेक्शन ऑफ मेटाबोलाइट स्पेशली एडिनोसिन, एंड एडिनोसिन विल इंक्रीज ब्लड फ्लो. सो इनडायरेक्ट इफेक्ट विल डोमिनेट. सो नेट इफेक्ट ऑफ सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन इज नॉट डिक्रीज बट इंक्रीज ब्लड फ्लो. सो डायरेक्ट इफेक्ट इज डिक्रीज, इनडायरेक्ट इफेक्ट इज इंक्रीज, एंड इनडायरेक्ट इफेक्ट डोमिनेट्स. पैरा सिंपैथेटिक इफेक्ट इज लेस बट अपोजिट. तो आप अगर देखें तो मेटाबोलाइट तीनों में ही आ रहे हैं, वर्क डन बाय द हार्ट, केमिकल रेगुलेशन एंड नर्वस रेगुलेशन. तो पॉइंट ये है, जब भी हमारे मायोकार्डियन को रिक्वायर्ड ब्लड फ्लो कम लगता है, द मायोकार्डियल बिकम इश्मिक. इश्मिक मायोकार्डियम कॉजेस कलेक्शन ऑफ मेटाबोलाइट, बट द मेजर थिंग इज एटीपी डिग्रेडिंग इन द मायोकार्डियल फाइबर्स और सेल इंटू एएमपी, एएमपी इंटू एडिनोसिन. एडिनोसिन डिफ्यूज आउट एंड एडिनोसिन कॉजेस डायलेटेशन ऑफ कोरोनरी आर्टेरियोल एंड आर्टरीज नियर बाय, एंड ब्लड फ्लो इज इंक्रीज और रिज्यूम्ड. ये मेजर है, चाहे आप वर्क डन बाय द हार्ट बोलें, चाहे आप केमिकल थ्योरी बोलें, और चाहे आप नर्वस रेगुलेशन बोलें. दिस इज द मेजर रेगुलेशन ऑफ कोरोनरी ब्लड फ्लो. बाकी प्रेशर ग्रेडियंट है, जब भी मीन एओर्टिक प्रेशर, प्रेशर ग्रेडियंट विल बी मीन एओर्टिक प्रेशर माइनस प्रेशर इन कोरोनरी साइनस, इट विल इंक्रीज कोरोनरी ब्लड फ्लो ओम्स लॉ के हिसाब से, और कोरोनरी वास्कुलर रेजिस्टेंस विल डिक्रीज ब्लड फ्लो. ऑटो रेगुलेशन हमने पहले कर लिया है, चेंजिंग ब्लड प्रेशर बिटवीन 50 to 150 डज नॉट चेंज ब्लड फ्लो टू द हार्ट एज इट चेंजेस इन जीआईटी एंड स्किन. इट्स बिकॉज ऑफ मेटाबॉलिक थ्योरी एंड मायोजेनिक थ्योरी. सो ये 6 पॉइंट्स हैं रेगुलेशन के, और बर्न थ्योरीज और एडिनोसिन रोल नीड टू बी हाईलाइटेड. आई सजेस्ट दैट फ्लो चार्ट. इन मेथड जो मैं बोल रहा था, फिक्स प्रिंसिपल पे आधारित, बेस्ड ऑन फिक्स प्रिंसिपल कैटी मेथड, अमाउंट ऑफ N2O यूज्ड डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ N2O इन आर्टरीज माइनस कंसंट्रेशन ऑफ N2O इन वेन्स. रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस भी हम यूज कर सकते हैं, स्पेशली रेडियो एक्टिव थैलियम. थैली जैसा आप मान लो, तो ये जितना ज्यादा परफ्यूज्ड मायोकार्डियल एरिया होगा, उतना ज्यादा रेडियो एक्टिव थैलियम उस पार्ट में कंसंट्रेट होगा. तो अगर किसी पार्ट में थैलियम कम कंसंट्रेट हो रहा है, इसका मतलब उस पार्ट का परफ्यूजन कम है. टेक्नीशियम इस वाइस से बरसा, इट कंसंट्रेट इन इनफेक्टेड एरिया. तो अगर किसी पार्ट में बहुत ज्यादा टेक्नीशियम कंसंट्रेट हो रहा है, इसका मतलब वो पार्ट इनफेक्टेड है. तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस भी हम यूज कर सकते हैं. और थर्ड जो हमने कार्डियक आउटपुट में भी किया था, फ्लो मीटर्स. सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर कैन बी यूज्ड, डॉपलर फ्लो मीटर कैन बी यूज्ड, वीडियो डेंसिटोमीट्री कैन बी यूज्ड. इन सबसे वेलोसिटी पता लग जाती है. एंड एंजियोग्राफी कैथेटर डाल के वी कैन हैव आइडिया अबाउट क्रॉस सेक्शनल एरिया. तो अगर वेलोसिटी और क्रॉस सेक्शनल एरिया पता है, तो ब्लड फ्लो कैन बी कैलकुलेटेड. तो ये हमारे 3 पॉइंट थे, फिक्स बेस्ड ऑन फिक्स प्रिंसिपल कैटी मेथड, N2O is being used, radio active substances and flow meters. So 6 points for regulation, 3 points for measurement. Then ischemic heart disease, जितना हमने किया है, पर आप जैसे पढ़ते जाओगे ये बढ़ता ही चला जाएगा.
ischemic heart disease is having two, angina and myocardial infarction. Plaque का formation होता है, लेकिन sometimes spasm भी हो सकता है and there can be thrombus formation also. Common side is left ventricle. Kilo, which person are more prone? Those who are having hypertension, those who are having diabetes, those who are having high cholesterol. ये थोड़ा सा controversial हो गया है. पहले बहुत ज्यादा होता था, अब बोलते हैं कि नहीं, कोलेस्ट्रॉल का शायद रोल है नहीं है. आई मीन एंड फैमिली हिस्ट्री इज आल्सो इम्पोर्टेंट. बट लुक, फैमिली हिस्ट्री इज वन ऑफ फाइव सिक्स. इवन ये इनका भी रोल आजकल बहुत आया है, होमोसिस्टीन एंड सी रिएक्टिव प्रोटीन. तो सात आठ में से एक फैमिली हिस्ट्री है. फैमिली हिस्ट्री का मतलब ये नहीं है कि फैमिली हिस्ट्री है तो फिर होना ही होना है. मेरे फादर मेरे साथ रह रहे हैं, अभी मैं फर्स्ट फ्लोर पे हूँ, नीचे बैठे हुए हैं. इज एट द एज ऑफ 80, इज एंजॉइंग हिज लाइफ, सीइंग रिटायर्ड लाइफ एंजॉय कर रहे हैं. एंड जब व्हेन ही वाज यंगर देन मी, जब मुझसे छोटे थे, उस एज में उनको सीवियर अटैक आया था, इन विच आउट ऑफ थ्री वेसल्स टू वेसल्स वेयर कंप्लीटली ब्लॉक्ड, 100% ब्लॉक्ड, एंड रिमेनिंग वन वेसल वाज 98% ब्लॉक्ड. देन बायपास सर्जरी, देन ही टोटली चेंज्ड हिज लाइफ स्टाइल. और अब कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो मेजोरिटी ऑफ द कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं कि यू आर लुकिंग फिटर देन मी. ये वर्ड मैंने बहुत ज्यादा बार सुना है. ऑफ कोर्स दे आल्सो से टू मोटिवेट द पेशेंट. रेडिएटिंग पेन होता है, बहुत सीवियर पेन होता है एमआई में, जबकि चेस्ट हैवीनेस होती है एंजाइना में. कुछ कॉम्प्लिकेशन है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन कैन लीड टू कार्डियोजेनिक शॉक, पल्मोनरी एडिमा, फिब्रिलेशन. ये अभी आपको करने की जरूरत नहीं है, इवन रप्चर भी हो सकता है. ट्रीटमेंट, रेस्ट देना चाहिए. लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन है, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में सारे रिस्क फैक्टर को आप कंट्रोल, अपने पेशेंट का कंट्रोल करिए. हाइपरटेंशन, डायबिटीज, स्ट्रेस, इसीलिए योगा मेडिटेशन का भी रोल चला है. कई लोग काफी क्वेश्चन करते हैं कि ये सब फालतू चीजें हैं, पर आप देखिए कि कोलेट्रल्स का फॉर्मेशन बहुत ज्यादा होता है, और अगर हार्ट अटैक आ रहा है इसका मतलब कोलेट्रल सिस्टम इज बीइंग वीकेंड. हाउ वी कैन परफॉर्म और मेक कोलेट्रल सिस्टम मोर स्ट्रॉन्ग? तो इंटरमिटेंट हाइपोक्सिया अगर हम प्रोड्यूस करें तो इट विल इंक्रीज एंजियोजेनेसिस. न्यू ब्लड वेसल फॉर्मेशन का मेन स्टिमुलस है हाइपोक्सिया. तो बहुत सारे मेडिटेशन में प्रोलॉन्ग्ड एक्सपिरेशन प्रैक्टिस किया जाता है, एंड प्रोलॉन्ग्ड एक्सपिरेशन में प्रोड्यूस इंटरमिटेंट हाइपोक्सिया. सो देयर इज सम रियली सम वैल्यू, आई विल नॉट से कि मेजर थिंग. देन वी आर हैविंग सीरीज ऑफ ड्रग्स आल्सो. नाइट्रेट कैन डायलेट द कोरोनरीज, बीटा ब्लॉकर कैन रेस्ट द हार्ट. ये आप अगले साल बहुत डिटेल में पढ़ेंगे. And we are having two extraordinary methods. Bypass, aorta से bypass लगा देते हैं, और ये triple vessel disease के लिए best है. सबसे अच्छे bypass surgeon अगर किसी country में है तो हमारी country है. और angioplasty, ये single vessel disease के लिए या double vessel disease के लिए. तो तीन major vessels में अगर एक या दो vessel block है, angioplasty and stenting. अगर तीनों vessel block है, bypass. MI में अगर एंजाइना है तो ST डिप्रेशन दिखेगा. ECG विल शो ST डिप्रेशन. यू कैन से ECG में भी समथिंग लाइक, और आई ड्रॉ इट अगेन, यू कैन सी हियर, दिस इज ST डिप्रेशन. लेकिन अगर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है तो P वेव, QRS कॉम्प्लेक्स, एंड यू कैन सी this is ST elevation. So ST depression in angina and ST elevation in myocardial infarction really help us a lot. हो सकता है angina की शुरुआत हो और resting ECG normal आए, तो हम exercise करके ECG निकाल सकते हैं. उसको हम बोलते हैं TMT, treadmill test. एंजियोग्राफी जो कि डायग्नोस्टिक भी है, कितने परसेंट है, और स्टेंट रख के हम उसको क्यूरेटिव या ट्रीटमेंट भी बना सकते हैं. और बायोकेमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कार्डियक एंजाइम्स आल्सो हेल्प अस टू डायग्नोस मायोकार्डियल इन्फार्क्शन.